जैसे अभी अनित थापा ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब हाथ उठा चुका है कि गोपाल लामा ही जीतेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका मतलब स्टेट पहले ही उठा चुका है, वो मान रहे हैं। और गोपाल लामा जी नहीं जीत रहे हैं ये स्वयं जानते हैं, और गोपाल लामा जी को छुपाया जा रहा है, बक्से में डाल डाल के, गाड़ी में डाल डाल के उनके साथ जो है जो व्यवहार हो रहा है वो तो आप मीडिया खुद देख रहे हैं। जो आज मैनिफेस्टो आया हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसमें आप प्रतिक्रिया क्या देंगे? क्योंकि बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, 2047 में विकसित भारत अपना देश बन रहा है और पूरा फोकस भविष्य के भारत को लेकर के हुआ है। और कुछ हमारे यहाँ के रीजनल पार्टी के नेता एक भ्रम फैलाने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ, इस बार का जो मैनिफेस्टो है जिसको मोदी जी की गारंटी ऐसा नाम दिया है, अब तक के मैनिफेस्टो एक परंपरा थी उससे भिन्न है, और प्योरली 2047 का विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए इस बार का मैनिफेस्टो बना है। और जहाँ तक गोरखाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, 20 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि गोरखाओं के समस्याओं के हम काफ़ी निकट हैं और वो समाधान चल रहा है। इसी तरह जनजाति का भी चल रहा है। 2026 के चुनाव से पहले मैं पार्लियामेंट में बिल ला करके बिल पेश करूंगा। सो जनता से कहना चाहूंगा, चोर लुटेरे लुच्चे लफंगे कुछ हमारे जो है टीएमसी के साथ मिलकर के नेता ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनके चक्कर में मत पड़िए। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो आज तक हमारा मैनिफेस्टो ही देखने के लिए वेट कर रहे थे, और जब वो चुनाव प्रचार पे जाते हैं उन्होंने क्या किया, टीएमसी ने कितने अन्याय अत्याचार किया, आज तक जो है करसंग की टाउन को पीने का पानी नहीं मिला, आज तक सोनादा की जनता को पीने का पानी नहीं मिला, और आप हमारी मैनिफेस्टो की बात करते हो? आप हमारी चिंता छोड़ दो, आप अपनी चिंता करो। पहला सीबीआई आ चुका है 25 तारीख को, उसके बाद कभी भी सीबीआई आएगी, और सिर्फ नेता नहीं उनके साथ तमाम लोग जो साथ उनके संलग्न है उनके यहाँ पे जांच होगा, छापे पड़ेंगे, ईडी आएगा, आप उससे कैसे बचोगे इसकी चिंता करो। जहाँ तक गोरखा दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता का विषय है, हम सक्षम है और मैं एक चौकीदार की तरह अपनी जनता की रक्षा करूंगा। स्थायी समाधान भारत के संविधान के अंतर्गत होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जनजाति भी होगा, और हमारा तो कई बार संकल्प पत्र में आया, और संकल्प चीज ऐसी होती है वो बार बार नहीं लिया जाता, वो एक ही बार लिया जाता है, और वो उस समाधान की घोषणा के काफ़ी हम निकट हैं। इसलिए मैं जनता से कहना चाहूँगा, हमारे अलायंस पार्टी के सभी साथियों से भी, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार इससे पहले जितना हमारे साथ थी उससे और अधिक शक्ति के साथ हमारे साथ खड़ी है, और 21 तारीख को स्वयं गृह मंत्री दार्जिलिंग आने का उनका कंफर्म हो गया है। तो जैसे अभी अनित थापा ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब हाथ उठा चुका है कि गोपाल लामा ही जीतेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका मतलब स्टेट पहले ही उठा चुका है, वो मान रहे हैं, और गोपाल लामा जी नहीं जीत रहे हैं ये स्वयं जानते हैं, और गोपाल लामा जी को छुपाया जा रहा है, बक्से में डाल डाल के, गाड़ी में डाल डाल के उनके साथ जो है जो व्यवहार हो रहा है वो तो आप मीडिया खुद देख रहे हैं। वो कौन सा गोपाल लामा जी सड़क में घूमते हैं या मीडिया को बैठ देते हैं, छुपा करके प्रचार हो रहा है। और पहाड़ में अभी मैं टीएमसी का एक दफ्तर देखा, टीएमसी का झंडा ही नहीं था वहाँ पे, सिंबल भी नहीं था, तो इसका मतलब पहाड़ की स्थिति ऐसी है टीएमसी एक अपना झंडा भी नहीं लगा सकता। और बीजेपी एम की तमाम सपोर्टर, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता है, मैं उन सबको कहना चाहूँगा, हम सब पहले गोरखा है, और न्याय दिल्ली से ही होगा, भारत के संविधान से ही होगा, ये चुनाव पंचायत का चुनाव या जीटीए का चुनाव नहीं है। इसलिए हमने पूरा बुद्धि लगा करके और जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना है, और मुझे पूरा यकीन है 90% बीजेपी एम के कार्यकर्ता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। तो जैसे आपका, जैसे उन्होंने बताया है कि जैसे अब सीबीआई भी आ चुका है, सीबीआई एफआईआर भी किए हैं, तो इसके बारे में, क्योंकि आपने बार-बार बोला हुआ है कि सीबीआई आएगा, ईडी आएगा, तो ये कहीं ना कहीं, देखिए कानून अपना काम करता है, मेरे आ जाओ बोलने से या मत आओ बोलने से वो रिएक्ट नहीं करता। हाँ ये जरूर है, एक सांसद होने के नाते मेरे यहाँ घोटाले होते हैं, पानी का पैसा जो है सिंटेक्स में डाला जाता है,
और जनता की स्कीम और उनकी सुविधा के लिए जो पैसा आता है, इवन आप देखिए म्यूनसिपलिटी यानी करशंग म्यूनसिपलिटी में हम खड़े हैं और यहाँ पे जब ऑडिट हुआ तो मुझे ये पता चला कि जो भारत सरकार या स्टेट के जो वेलफेयर के स्कीम के लिए पैसा आया था इन्होंने तनख्वाह बांटने में काम उपयोग किया। सो ये तो जो है डाइवर्जन ऑफ फंड है, ये तो इलीगल है, इसमें तो म्यूनसिपलिटी का सारा जो है टीम वो सब अंदर जाएगी। सो इसी तरह जो है दार्जिलिंग में हुआ है, इसी तरह कालिंपोंग में हुआ है और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, इसीलिए तो जनता दुखी है। इन भ्रष्ट नेताओं को यहाँ से हटाओ तभी जो है जनता को राहत मिलेगी। आज पंचायत के माध्यम से, जीटीए के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सड़क के माध्यम से तमाम योजना, आप सोचिए 3500 करोड़ रुपये सिर्फ पीने के पानी के लिए आया, 4000 करोड़ सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आया, इतना पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा जनता तक नहीं पहुंच रहा है, भ्रष्ट नेताओं के जेब में जा रहा है और एक एक कॉन्ट्रैक्टर को 400-500 करोड़ का ठेका मिल रहा है, जिसको अकल नहीं है, जिसका कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसको काम की समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी नेता का वफादार है, कमीशन देता है इसलिए उसको ठेके मिल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब जनता आँख बंद करके, जनता को कुछ समझ में नहीं आता? सो सीबीआई ईडी आएगी, वो अपना काम करेंगी, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जिसने गलती किया उसको भुगतना पड़ेगा। और ये शिक्षा घोटाला बहुत बड़ा, 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ 20-20 लाख रुपए लिए, इतना सारा पैसा गया कहाँ? और मैं उन तमाम शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता है, लेकिन जिन्होंने पैसा लिया है उनका देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। और लोगों का, और इसमें एक बात और है, जो लोग इसके अंदर में सारी जानकारी रखते हैं, जितना जल्दी सरकारी गवाह बनेंगे उनके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक दीमक की तरह फैला हुआ है और बहुत अंदर तक जाकर के खोद करके निकालना पड़ेगा। विष्णु प्रसाद शर्मा जी का सुरक्षा हटा दिया गया है, वो सुरक्षित हैं, वो पहले से भी सुरक्षित थे। आप देखिए आज पहाड़ में टीएमसी से डायरेक्ट पंगा लेने वाले तो बिमल जी हैं, सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए एमएचए की तरफ से, मानकी सिंह जी उनको मिलना चाहिए, दावा पाकिम जी उनको मिलना चाहिए, वो स्वयं तो टीएमसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और टीएमसी के प्रदेश में फिर उनको सुरक्षा क्यों चाहिए? खैर जो भी हो, उन्होंने आपने पूछा इसलिए जवाब दिया, ये एमएचए गृह मंत्रालय तय करता है किसको सुरक्षा का खतरा है नहीं है, उनको पता लग गया कि ये तो टीएमसी के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं तो फिर हटा दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मान लीजिए आप जिस पार्टी को गाली देते हो, जिस सरकार को गाली देते हो, अच्छा लगता है कि उसके चार जो है मैं सिक्योरिटी के साथ अपने लेकर के घूमूं, तो वो आपने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया, वो स्टेटस सिंबल समझ करके इतने दिन चल रहे थे इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है। अजय जी कहना है कि एमपी के पास भी सीबीआई आना चाहिए, हैं एमपी के पास भी सीबीआई आना चाहिए, हमारे पास एविडेंस है। देखो ऐसा है, कई बार जो है ना जिस आदमी को राजनीति की समझ नहीं है, राजनीतिक तौर पे इनमेच्योर है और एकदम से राजनीति में आ जाए, कुछ महीने के लिए म्यूनसिपलिटी चल जाए, तो उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। मैं फिर बोलता हूँ, उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी ने ठेका लिया, पूरे पश्चिम बंगाल में सूर्य रोशनी लिमिटेड ने अगर 1 रुपये का भी कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं इस चीज़ का स्वयं ध्यान रखता हूँ कि मैं जिस प्रदेश में राजनीति करता हूँ, जिस प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ 1 रुपये भी सरकारी। और हमारी कंपनी तो भैया वो B2C वाली कंपनी है, हम तो दुकानों को लट्टू बेचते हैं और दुकान आगे जो है ग्राहकों को लट्टू बेचती है, हम जो है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल करते ही नहीं है, हम PSU में कुछ काम करते हैं लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल में 1 रुपये का काम नहीं करते। और भाई तुम ले आओ, हम तो 8,000-8,500 करोड़ की कंपनी है, 2,000 करोड़ से ज़्यादा तो हम टैक्स देते हैं और मैं पर्सनल 4 करोड़ टैक्स देता हूँ। तो इसीलिए बोलने से पहले सोच समझ के बोलो, लेकिन इसके बाद भी वो बोलेगा फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ,
नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। तो क्या हुआ है, मतलब वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है, तो मेरा जो इश्यू होता है मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, फोर व्हीलर हो या फिर बस, वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख नहीं। यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है कभी कभी, तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर फ्रोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स, it's now 2 out of 10, it is 2। contact number আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে, thank you।